हेलो एवरीवन, आज के वीडियो प्रेजेंटेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इंट्यूएटिव वर्ब्स की। तो इंट्यूएटिव वर्ब की बात करेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, थैंक यू। तो लेट अस स्टार्ट। तो बेसिकली जो इंट्यूएटिव वर्ब होती हैं वो वर्ब हैं जो काम को प्रारंभ होने को बताती हैं। मतलब कोई काम शुरू हो गया, कोई मिडल स्टेज में है, कोई फाइनल स्टेज में है, उसके बारे में बताती है। तो जैसे ये तीन चार चीजें इसमें आती हैं, बिगिनिंग ऑफ द वर्क स्टेज है, फिर डेवलपमेंट अभी चल रहा है प्रोसेस में या फाइनल स्टेज है, और फिर चेंज ऑफ कंडीशन, किसी की कंडीशन चेंज हो रही है, उसकी बिगिनिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, जो फाइनल स्टेज में है। जैसे माई फादर इज गेटिंग वीकर, मेरे पिताजी कमजोर होते जा रहे हैं। इट इज ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ही हैज बिकम द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया है। तो अब ये देखो, रिचेस्ट बन गया तो फाइनल स्टेज आ गई है। अब ये मिडल में आ गई कि ग्रोइंग डार्क, गेटिंग वीकर। हाँ, तो मतलब ये एक प्रोसेस शुरू हो गई है, चेंज कंडीशन हो गई है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती हैं, ये बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो इनके बिना बन नहीं सकते, तो इनका जानना बहुत जरूरी है। तो आगे इनके बारे में एक एक लेके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आगे अगली स्लाइड में ये सब हम इंडिविजुअली देखेंगे कि वो किस तरह से यूज होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है इंट्यूएटिव वर्ब्स जो होती हैं, जो बेसिकली होती है गेट, बिकम, ग्रो, कम, गो, टर्न, फॉल, रन, वियर। तो किसी कंडीशन के बारे में बताती है कि कुछ चेंज ऑफ कंडीशन के बारे में बताती है, उसकी बिगिनिंग हो सकती है, उसकी मिडल स्टेज डेवलपमेंट हो सकती है, या फाइनल स्टेज। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे गेटिंग, ग्रोइंग, बिकमिंग। तो उनको ये सारे जो दिए हैं इनको आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेट को हम एज इंट्यूएटिव वर्ब हम कैसे यूज करते हैं। तो गेट बेसिकली जो है ज्यादातर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होती है, और जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं। आप सब जानते हैं कि जैसे एडजेक्टिव की जो तीन फॉर्म होती है डिग्री की, एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ नहीं करते हम ज्यादातर इसको, जो यूज करते हैं ना वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, और एक पार्टिसिपल्स के साथ करते हैं। पार्टिसिपल्स जैसे कि होता है उसमें वो वाली वर्ब होती है जिसमें वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की भी क्वालिटी होती है। तो हम सिंपली ये एक समझने के लिए है, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। शुगर इज गेटिंग स्केयर्सर, जो शुगर है वो कम होती जा रही है, उसकी जो मात्रा है वो अवेलेबिलिटी वो कम होती जा रही है। इस तरह से हम यूज करते हैं कि मार्केट में जो शुगर है वो कम होती जा रही है अवेलेबिलिटी उसकी। इट इज गेटिंग डार्क, तो यहां पे देखो, यहां पे हमने कंटिन्यूअस फॉर्म में किया यूज का गेटिंग, और दूसरा ये हमने क्या कंपैरेटिव डिग्री कि कंपैरेटिवली वो स्केयर्स होती जा रही है। इट इज गेटिंग डार्क, अब ये हमारी आ गई पॉजिटिव डिग्री कह लो, या दूसरा इसको डार्क जो है एडजेक्टिव के तौर पे भी हम यूज करते हैं। एडजेक्टिव की ये पार्टिसिपल के तौर पे भी हो गया यूज डार्क। ही इज गेटिंग वीकर, वो कमजोर होता जा रहा है, तो मतलब ही इज गेटिंग वीकर, होता जा रहा है। तो ये हो गया ये कंपेरेटिव अपना कंटिन्यूस फॉर्म, और ये कंपेरेटिव डिग्री, वीक, वीक, वीकर, वीकेस्ट होता है ना। शी इज गेटिंग ओल्डर, वो बूढ़ी होती जा रही है। तो यहां पे इस तरह के सेंस में होते हैं इसका, जब हम कंटिन्यूस फॉर्म में गेट को यूज करते हैं वो एक बिकम की सेंस में आ जाता है। मतलब ही हैज बिकम, हो गया, हो रहा है ना, ही इज बिकमिंग उस सेंस में आ रहा है। तो बेसिकली इसका ये होगा कि ही इज गेटिंग स्केयर्सर, होता जा रहा है वो, ये होता जा रहा है,
अंधेरा होता जा रहा है, उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो जो इसकी पास्ट सेंस में अगर गेट का सेकंड जो होती है ना पास्ट, उसका वो आता है कि पास्ट टेंस में आता है गोट। गोट का जब हम यूज करते हैं तो एक फाइनल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ही गोट टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। ही बिकेम, मैंने जैसे कहा था गेट और बिकम एक ही सेंस में हम यूज करते हैं। ही गो टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दे गो टू वर्ड्स एंड देन टू ब्लोज, वो पहले तो शब्दों से लड़ रहे थे, बाद में गुस्से वगैरह मारने शुरू कर दिए, देन टू ब्लोज। तो ये फाइनल स्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है। दे गो टू वर्ड्स, पास्ट उसका गेट का, दे गो टू वर्ड्स एंड देन टू ब्लोज। तो पहले तो उन्होंने मारे, तो इस सेंस में जो गेट और बिकम की सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। दे गो टू वर्ड्स एंड देन टू ब्लोज। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि बिकम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले ये एक देखता है, गेट की तरह बिकम का भी यूज बड़ा ही प्रचलित है। तो एडजेक्टिव की सबसे पहले, जैसे गेट है वो भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं सबसे पहले, और एक हम यूज करते हैं नाउन के साथ भी। तो पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव है उसके साथ किस तरह से करते हैं। ही बिकेम सस्पिशियस, वो सस्पिशियस हो गया, शक्की हो गया। तो ये एडजेक्टिव की तरह हमने यूज किया, ही बिकेम, वो शक्की बन गया। द चाइल्ड बिकेम पेल एंड थिन, जो बच्चा है वो कमजोर सा हो गया। पेल एंड थिन मतलब पीला पड़ गया और कमजोर सा हो गया। तो ये बिकम, ये ही बिकेम सस्पिशियस, द चाइल्ड बिकेम पेल एंड थिन, वो बच्चा जो है कमजोर हो गया। ही बिकेम सस्पिशियस, वो जो शक्की बन गया। इस तरह से हम बिकम का प्रयोग करते हैं कि वो ऐसा हो गया। नाउन के साथ भी हम यूज करते हैं, ऑन लीविंग स्कूल शी बिकेम एन एक्ट्रेस। यहां पे नाउन है, कॉमन नाउन है यहां पे, तो यहां पे हमने यूज किया ऑन लीविंग स्कूल शी बिकेम एन एक्ट्रेस, स्कूल छोड़ने के बाद वो एक्ट्रेस बन गई। तो यहां ये बन गया, ये हो गया, वे वीक हो गया, शक्की हो गया, तो वो एक्ट्रेस बन गया, बन गई। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। सून ही बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, जल्दी ही वो शहर का सबसे जो अमीर आदमी बन गया। ही बिकेम, बन गया, इस सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। वो पीला हो गया, बन गया, इस तरह से बिकम का प्रयोग हम करते हैं। ग्रो का प्रयोग भी हम गेट और बिकम की तरह ही करते हैं, और एडजेक्टिव की पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है इसका भी। टाइम इज ग्रोइंग शॉर्ट, हम पहले कहते थे टाइम इज गेटिंग शॉर्ट, बात एक ही है। ग्रोइंग शॉर्ट भी लिख सकते हैं, गेटिंग शॉर्ट भी लिख सकते हैं। इट इज ग्रोइंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क, या बिकमिंग डार्क, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। द चाइल्ड इज ग्रोइंग थिनर, बच्चा कमजोर होता जा रहा है। द चाइल्ड इज गेटिंग थिनर, गेटिंग थिनर, ग्रोइंग थिनर, बिकमिंग थिनर, ऑलमोस्ट एक ही बातें हैं ये सब। द सी इज ग्रोइंग काम, जो समुंदर है वो शांत हो रहा है। तो यहां भी हम इस तरह से यूज कर लेते हैं ग्रोइंग को भी गेटिंग और बिकमिंग के सेंस में। जो कम का प्रयोग है, COME कम, उसका प्रयोग भी हम एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं। इसका एक और प्रयोग करते हैं हम जो पास्ट पार्टिसिपल यानी के जो थर्ड फॉर्म है उसके साथ हम करते हैं डिग्री है। जैसे पास्ट पार्टिसिपल कैसे करते हैं ना, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जो थर्ड फॉर्म के साथ हम यूज करते हैं
तो उसका मतलब, और अन के साथ करते हैं, यू एन अन, तो वो नेगेटिव सेंस में हम करते हैं। जैसे एग्जांपल देखे, माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू, ये तो हमने एक पॉजिटिव डिग्री के साथ किया कि माई ड्रीम्स, मेरे जो सपने सच हो गए हैं। द हिंज हैज कम लूज, जो कब्जे हैं वो खुल गए हैं, तो खुल गए हैं ये हो गया है। द नॉट हैज कम अनटाइड, अब यहाँ पे अन यूज किया हमने कि जो गांठ है वो खुल गई है, तो ये नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं। यहाँ भी अन होगा तो इसके साथ हम कम के साथ यूज करेंगे तो वो नेगेटिव सेंस में होगा। माई शू लेसिस हैव कम अनडन, यहाँ भी अन का यूज किया कि मेरे जो जूतों के तस्मे हैं वो खुल गए हैं, तो यहाँ भी अन का प्रयोग होगा तो वो नेगेटिव सेंस में होगा और थर्ड फॉर्म के साथ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, अनटाइड अनडन इस तरह से होता है। कम का प्रयोग हम इन्फिनिटिव टू के साथ भी करते हैं, वो किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस, आपको इसके बारे में जानकारी कैसे मिली? शी केम टू बिलीव दैट वर्क वाज ह्यूज, वो उसको विश्वास हो गया कि काम बहुत बड़ा था। तो यहां इस सेंस में भी हम यूज करते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, जैसे आप जानते हैं टू को हम बोलते हैं हाउ डिड यू कम टू, हाउ शी केम टू, इस तरह से भी हम यूज करते हैं। जब एडजेक्टिव के साथ गो का प्रयोग करते हैं तो वो एक निश्चित परिवर्तन को इंडिकेट करता है, जैसे हिज हेयर हैज गोन वाइट, उसके जो बाल है वो सफेद हो गए हैं, तो यहां पे एडजेक्टिव के साथ वाइट के साथ हमने लगाया तो ये एक परिवर्तन बता रहा है। हिज हेयर हैज गोन वाइट, ही वेंट मैड, वो पागल हो गया। द मिल्क वेंट सोर, जो दूध है वो फट गया। शी इज गोइंग बाल्ड, वो गंजी होती जा रही है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, यहाँ पे निश्चित परिवर्तन हो तो गो का प्रयोग करते हैं। इसकी अलग अलग फॉर्म में इसको यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं, ING फॉर्म में भी कर सकते हैं। दूसरा, कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेज होते हैं उनके साथ, जैसे गो टू बेड, गो टू पीसी, गो टू बेड मतलब बेड पे जाना, सोने के लिए जाना, गो टू पीसी मतलब टूट जाना। ही वेंट टू बेड अर्ली, वो बेड पे आज सोने जल्दी चला गया। शी नियरली वेंट टू पीसीज व्हेन हर फादर डाइड, वो जब उसके पिताजी की डेथ हुई तो वो टूट गई बिल्कुल। तो इस तरह से भी हम फ्रेजल वर्ब्स में भी, फ्रेजल जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं उनमें भी इनको यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि टर्न का प्रयोग एज एन इंट्यूटिव वर्ब हम कैसे करते हैं। तो जैसे देखो, सबसे पहले जो एडजेक्टिव वर्ब की जो है ना, पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम करते हैं। जैसे द वेदर हैज टर्न मच कोल्डर, जो मौसम है अब पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गया हैज टर्न मतलब खराब हो गया है, ये मतलब बदल गया है, खराब हो गया है। टर्न मतलब किस्म से, बदल की सेंस में। यहाँ पे द ऑरेंज इज आर टर्निंग रेड, जो संतरे हैं वो लाल होते जा रहे हैं। द इंक टर्न्स ब्लैक व्हेन इट ड्राइज, जब स्याही खराब हो जाती है तो काली पड़ जाती है, तो मतलब फॉर्म सी चेंज हो जाती है और उसका जो है खराबी होनी शुरू हो जाती है किसी चीज की, वो मतलब रंग बदल जाता है, कोई इस तरह से टर्निंग आ जाती है, उस तरह से हम इसको टर्न सेंस में यूज करते हैं। ये टर्न फलाना हो गया है, ये उस तरह से हो गया है। दूसरा, जो नाउन के साथ हम यूज करते हैं वो बन जाना, वो कई बार क्या होता है कि आदमी को एक चीज छोड़ के दूसरी बनना पड़ता है, उसमें हम नाउन के साथ यूज करते हैं तो इस सेंस में होता है बन जाना। जैसे आई बिलीव यू शैल नेवर टर्न ट्रेटर, मुझे विश्वास है कि आप कभी भी जो देशद्रोही या धोखेबाज कह लो या धोखा देने वाले कभी नहीं बनोगे। वेन हर सर्वेंट लेफ्ट शी टर्न्ड कुक, जब उसका सर्वेंट चला गया तो उसको वो कुक बन गई, वो टर्न हो गई ना। तो यहां भी टर्न ट्रेटर मतलब धोखेबाजी करना, बदल जाना, टर्न बन जाना। इज इट वाइस फॉर ए ग्रेट जनरल टू टर्न पॉलिटिशियन, क्या किसी जनरल रैंक के बंदे को ये शोभा देता है कि वो एक पॉलिटिशियन बन जाए, नेता बन जाए? तो इस तरह
टर्न मतलब बन जाना, एक चीज को छोड़ के दूसरी बन जाना, यहाँ क्या कि उसकी फॉर्म चेंज हो जाना, टर्न मतलब बदल जाना समझो, तो वहीं से बना है। तो इट हैज टर्न्ड रेड ब्लैक व्हेन इट टर्न्ड ड्राई, टर्न्ड मच कोल्डर, बदल गया, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं। इंट्यूएटिव वर्ब जो रन होती है उसका प्रयोग एज एन एडजेक्टिव हम करते हैं। एडजेक्टिव जैसे हमारे ये इस तरह के ड्राई, लो, शॉर्ट, जहाँ पे कमी जैसी कुछ या नेगेटिविटी हो वहां पे हम यूज करते हैं। द वेल हैज रन ड्राई, जो कुआं है वो सूख गया है। द कॉज आर रनिंग ड्राई, जो गाय है उन्होंने दूध देना बंद कर दिया, वो बंद कर रही हैं, जो गाय है उनका दूध देना बंद हो रहा है। सप्लाईज आर रनिंग शॉर्ट लो, जो सप्लाईज है राशन की या किसी और चीज की वो बड़ी शॉर्ट होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इस सेंस में हम यूज करते हैं रन को। जो इंट्यूएटिव वर्ब फॉल होती है उसका प्रयोग हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के लिए ही करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के लिए या सुपरलेटिव डिग्री के लिए नहीं करते। तो सबसे पहले सेंटेंस देखिए, ही फेल सिक, वो बीमार हो गया। वेन डू द टैक्सेस फॉल ड्यू, कि जो टैक्सेस की है वो टैक्सेस देने का कौन सा टाइम है। वेन डू द टैक्सेस फॉल ड्यू, कब ड्यू होते हैं, उनकी देने की डेट कौन सी आती है, इस सेंस में भी हम यूज करते हैं। द पोस्ट ऑफ द मैनेजर फेल वेकेंट है, जो मैनेजर की जो पोस्ट है वो वेकेंट हो गई, तो इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं फॉल, अलग अलग करते हैं, जैसे प्रेजेंट में, पास्ट में। शी सून फेल असलीप, वो जल्दी ही सो गई। तो देखो अलग अलग फॉर्म्स में हमने फेल फॉल को यूज किया, वो ही फेल सिक, बीमार हो गई। वेन डू द टैक्सेस फॉल ड्यू, जो टैक्सेस देने की डेट कब ड्यू होती है। द पास्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ द मैनेजर फेल वेकेंट, मैनेजर की पोस्ट खाली हो गई। तो अलग अलग तरह से हमने फॉल को यूज किया है। तो हमने इंट्यूएटिव वर्ब के अलग अलग प्रयोग के बारे में चर्चा की, कौन कौन सी होती है, उसको कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में काफ़ी जो कन्फ्यूजन से आपके वो दूर हुए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।